What's up everybody, boys and girls, this is your boy NB. So guys, good morning first all up to you. And guys, आज का जो vlog है वो काफ़ी interested होने वाला है, क्योंकि last वाले vlog में आपने देखा कि मेरी flight जो है cancel हो चुकी थी दुबई की. तो अभी plan में और change हुआ है. आप first आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि भाई ये बंदा travel कर रहा है, किधर है, क्या, क्यों travel कर रहा है, क्या है. तो मैं बता दूं guys आपको, मैं cruise line में काम करता हूँ और अभी मैं ship join करने जा रहा हूँ अपना. पहले था दुबई में हमारा ship, अभी जो है उसकी location सऊदी में है. तो पहले दुबई जाने का plan था, but अभी जो है सऊदी जाएंगे हम लोग. जितने भी जने, मैं, विकास भाई हो गया और अपना संजय भाई, हम सभी लोग सऊदी में जाके शिप ज्वाइन करेंगे अभी. तो ये वाले ब्लॉग में मुंबई से अपना जर्नी स्टार्ट होएगा और सऊदी में ब्लॉग को एंड करूंगा मैं. तो आप देखो गाइस, नजारे देखो, देखो क्या क्या होता है ब्लॉग में. सो स्टे ट्यून गाइस. और रूम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी है मैंने काफ़ी. सो ब्यूटीफुल रूम को करते हैं बाय बाय. सो लेट्स गो. तो गाइज अभी मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे और यहाँ से अपना फ्लाइट है मुंबई टू सऊदी अरेबिया जद्दा. सो देखते हैं अगर बीच में स्टॉप मिलता है कहीं तो देखेंगे क्या होता है. सो स्टे ट्यून गाइज, अभी बोर्डिंग करवा रहे हैं हम लोग. सो स्टे ट्यून. ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच. अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर. अंदर का ऐसा सिस्टम है कि 46 नंबर गेट है 46. सो वहीं से हम लोग बैठेंगे फ्लाइट में. और मुंबई एयरपोर्ट पे उतना ज़्यादा क्राउड है नहीं अभी, मतलब नॉर्मल टाइप है. ये जितना भी जन देखा आपने पीछे, पूरा हम लोगों का स्टाफ ही है. सो मिलते हैं आपको वहाँ पे अंदर. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सऊदी के एयरपोर्ट पे जद्दा में. और अभी संजय भाई हैं हमारे साथ. कैसा फील हो रहा है भाई इतने टाइम बाद? एक्साइटेड. तो अभी हम लोग जा रहे हैं लगेज कलेक्ट करने के लिए अपने. सो स्टे ट्यून. सभी हम लोग लगेज लेके हो चुके हैं फ्री और वेट कर रहे हैं बस का. काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं गाइज. तो टाइम अभी हुआ है 11:30 यहाँ पे सऊदी में, और इंडिया में रहेगा अपना टाइम अभी 1:30 और 2 o'clock के करीब कुछ. सो अभी हम लोग डायरेक्ट शिप ज्वाइन करने जा रहे हैं. सो स्टे ट्यून गाइज. सो गाइस अभी सुबह के बजे हैं 5 और हम जा रहे हैं, और अभी हम लोग कैबिन जा रहे हैं क्योंकि बोर्डिंग का जो सीन था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस रहता है. आप देख सकते हो गाइस, आईज पूरा लाल हो रखी है भाई की शक्ल तो देखो. आपका कितना 11 पे है?
ठीक है ओके बाय बाय 14069। तो कुछ ऐसा सीन है गाइस, अभी जा रहा हूँ मैं कैबिन और बाकी की बातें मैं वहीं पे करता हूँ। काफी टाइड हो रखा हूँ गाइस मैं। तो गाइस कुछ है, अपना कैबिन है यहाँ पे, यहाँ से शायद बालकनी का व्यू है या नहीं वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस बालकनी से के बाहर कुछ ऐसा व्यू है, आप देख सकते हो। सो कुछ ऐसा था अपना ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ ऐसी जर्नी रही अपनी मुंबई से यहाँ सऊदी तक, सऊदी जेदा, और काफ़ी थक चुके हैं गाइज। सुबह के 5 बजने को आए हैं, ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, आप देख सकते हो गाइज। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट, ऑलवेज बी योरसेल्फ, पीस आउट गाइज।